सब पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र, हो रहा कुरुक्षेत्र जंक्शन मेन स्टेशन। अब चलते हैं कॉलेज। तो गाइस ये है कुरुक्षेत्र जंक्शन का मेन एंट्रेंस, और यहाँ से जैसे ही आप निकलोगे बाहर तो आगे साइड ढेर सारे ई रिक्शा और टेम्पो मिल जाएंगे आपको, जो कि आपको कॉलेज पहुँचा देंगे। बेड अंदर रखी है साइकिल, ये है टेबल जो कि पूरी गंदी हो रखी है, कपड़ा ऐसे ही फैला हुआ है, ये अलमीरा, ये है हम, और यहाँ पे अब रूम की सफाई होगी। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलेज आने के कितने कितने डिफरेंट वेज हैं। तो पहला तो है कुरुक्षेत्र जंक्शन पे आप आ जाओ ट्रेन से, जैसे आप आते हो अगर आपको सीधे डायरेक्ट प्रोवाइडेड है तो आप ट्रेन से वहाँ उतरोगे, फिर वहाँ से आप ई रिक्शा या फिर टेम्पो जो भी आपको सूटेबल लगे वहाँ से लोगे, फिर सीधे वो आपको यहाँ पे छोड़ देंगे। 20-25 मिनट्स का पूरा टाइम कंज्यूम करेगा। दूसरा तरीका है आप दिल्ली एयरपोर्ट पे भी रुक सकते हो, वहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर्स के आसपास है। और तीसरा तरीका है आप चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी आ सकते हो फ्लाइट के थ्रू, उसके बाद वहाँ से एनआईटी कुरुक्षेत्र की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज है, और काफ़ी हमारे कॉलेज में काफ़ी बच्चे जो हैं स्प्लिट करके आते हैं, मतलब कि जैसे अगर कहीं अगर उनकी बहुत दूर है घर और डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है उनको कुरुक्षेत्र की, तो पहले दिल्ली आते हैं फिर दिल्ली से कुरुक्षेत्र ट्रेन मिलती रहती है वहाँ से वहाँ आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं कॉलेज पहुँचने के। मिलते हैं आपसे जल्दी कॉलेज में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये रहा हमारा उगता सूरज, द राइजिंग सन, OAT, बड़ी प्यारी जगह है। वो देख रहे हो वहाँ क्या लिखा है, दिखाता हूँ। VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, करता क्या होगा इस रूम में और क्या है। अच्छा इधर देखो, ये वाला VIP है, ये वाला VVIP है। चले गए मुझे छोड़ के, पता नहीं कहाँ उड़ रहे होंगे इस समय। सो भी चलते हैं अपनी साइकिल को पार्किंग स्टैंड लगा के, बाय।